मुख्य प्रभारी, हमारे माननीय आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन और यहाँ के मीडिया के इंचार्ज, हमारे देवेंद्र राणा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर माननीय श्यामलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, यहाँ पे हमारे मीडिया का संचालन देखते हुए माननीय प्रदीप जी, और मैं अब इससे आगे विषय में बढ़ता हूँ। आज हमारे बीच में श्री विक्रम मल्होत्रा जी आज हमारे परिवार में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप आवाज थोड़ी सी कम लग रही है, मैं चाहूंगा आप एक दफा दोबारा जोर से बोलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विक्रम मल्होत्रा जी, जम्मू में इनकी पैदाइश हुई है 1975 में, और ये उसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। इन्होंने अपना कैरियर वहाँ से शुरू किया और वहाँ से ही शुरू करते 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 कांग्रेस में इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया, लेकिन उसके बाद शायद इनको भी लगना शुरू हुआ कि अब समय आ गया है कि जब हम जम्मू की बात करें, जम्मू के हम एक ग्रोथ की बात करें, तो उनके लिए जो था एक ये डिसीजन था, और उनका हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। ये विक्रम मल्होत्रा जी के पिताजी श्री अमृत मल्होत्रा जी कांग्रेस में थे, और एक कांग्रेस के दो टाइम के वो MLA रहे हैं, और आज विक्रम जी हमारे परिवार में आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माननीय हमारे तरुण चुग जी से प्रार्थना करूंगा कि वो विक्रम मल्होत्रा जी को पटका पहनाकर उनका विधिवत तरीके से स्वागत करें।
आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक नया सदस्य, एक ऐसा परिवार जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा स्थान प्राप्त किया और खुद एक विक्रम मल्होत्रा जी ने यूथ कांग्रेस कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग जिम्मेवारियों पर रहते हुए जम्मू कश्मीर की सेवा की है। लगातार मेरे साथ इनकी एक मित्र भाव रहा है और इनके मन में था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, उसको देखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है और उनके साथ आज सैकड़ों जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े परिवारों के लोग, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से इन सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से विक्रम मल्होत्रा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और बढ़ेगी। ये पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की सोच को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे और मैं हैरान हूं कि आज इनकी ज्वाइनिंग में जम्मू के लगभग सभी बड़े परिवार यहां शामिल हुए हैं। मैं उनका भी, उन सभी का भी स्वागत करता हूं। विक्रम मल्होत्रा जी, क्योंकि हर आदमी जब पार्टी में आता है तो उसके पीछे एक सोच लेकर आता है। इन्होंने मेरे को कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बिना शर्त, बिना किसी डिमांड के, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आया हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिपाही बनकर, जिस तरह वो विश्व के अंदर भारत की चमक व दमक को बढ़ा रहे हैं, मैं भी उस चमक दमक को बढ़ाने के लिए एक गिलहरी की भूमिका अदा करूंगा। इनके ऐसे विचार सुनकर मन गदगद हुआ कि जब पॉलिटिक्स में दूसरी पार्टियों में देखते हैं राजनीति का मतलब लेना और देना है, वही भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आदर्शों पर काम करती है, बिना शर्त, बिना किसी डिमांड के इसमें लोग शामिल होते हैं। और मैं विक्रम मल्होत्रा जी को और इनके साथ जितने भी महानुभाव आए उन सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी को भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा, जम्मू कश्मीर को संवारने का, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का। मौका भी मिलेगा और निश्चित रूप से आप सबके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, यहां जम्मू के विधायक और अब भी विधायक बनने जा रहे श्री देवेंद्र राणा जी, सीनियर लीडर श्याम जी हमारे जम्मू के प्रत्याशी हैं, वो भी
जल्दी विधायक बनने वाले हैं। अभी युद्धवीर सेठी जी ने भी आना था, क्योंकि एकदम कार्यक्रम बना और युद्धवीर सेठी जी की ओर से भी और यहाँ उपस्थित सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं विक्रम मल्होत्रा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से इन चुनावों में बड़े दमखम से चुनाव लड़ रही है और जिस प्रकार का एक सैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, यही कारण है कि दूसरी पार्टियों से जो ऐसे वरिष्ठ लोग जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पिछले 70 सालों में जिस प्रकार का उसका हाल हुआ है उसको फिर से रीबिल्ड करने के लिए, जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लाने के लिए तरक्की तामीर लगातार जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आज जिस तरह 218 नेता कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हैं और 18 लोगों को तो मैंने खुद हाथ से पटका डाला है। किसी ने एक बार चुनाव लड़ा है, किसी ने दो बार चुनाव लड़ा है, कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है। ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से असीम प्रेम करती है और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़कर जम्मू कश्मीर को दासता से मुक्ति दी है और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, आज स्पष्ट हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला भारत के नहीं विश्व के सबसे कंफ्यूज्ड लीडर है। वो कंफ्यूजन में ही रहते हैं, कभी वो कहते हैं मैं जेल से जमानत नहीं कराऊंगा फिर बाहर आते हैं, कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा फिर चुनाव लड़ते हैं, कभी उनके पिताजी कहते हैं चुनाव लड़ूंगा फिर वो कहते हैं वो नहीं लड़ेंगे, कभी कहते हैं मैं श्रीनगर से लोकसभा लड़ूंगा फिर नहीं लड़ते, कभी कहते हैं मैनिफेस्टो ठीक है कभी कहते गलत, कभी कहते हैं 370 और 35 से तोड़ी जाएगी फिर कहते हैं इस चुनाव में उसका कोई मतलब नहीं, कभी कहते हैं एससीओ का आरक्षण वापस लाऊंगा, कभी कहते हैं एसटीओ का आरक्षण वापस लाऊंगा, कभी मैं वो करूंगा कभी ये करूंगा। इतने कंफ्यूज्ड लीडर आज तक नहीं देखे। अगर विश्व के अंदर किसे कंफ्यूज्ड लीडर का कोई इंटरनेशनल अवार्ड होगा तो मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला उसके लिए सबसे उत्तम च्वाइस होंगे। इसीलिए इस कंफ्यूज्ड लीडर को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिफ्यूज बनाया है। ये रिफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड एंड डिफ्यूज्ड लीडर है जो जम्मू कश्मीर को, कोई भी जिनके पास विजन नहीं है और ऐसे कंफ्यूज डिफ्यूज और रिफ्यूज लीडर जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। सर, उमर अब्दुल्ला का कहना था कि मैं आपको नहीं जानता। कोई बात नहीं, उनकी जनरल नॉलेज कुछ कम होगी तो मैं उसके लिए उन्हें निवेदन करूंगा, वो विदेशी किताबें पढ़ते हैं और अखबार भी लंदन का ही पढ़ते हैं, कभी कभी भारत का अखबार खोल लें कभी कोई हिंदुस्तान की किताब पढ़ लें तो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन है। अभी तक उन्होंने इटली का चश्मा, राहुल जी उनको दे गए हैं, इटली का चश्मा लगाकर लंदन की किताबें पढ़ते हैं, रहते तो जम्मू कश्मीर में, उनका घर भी लंदन है, विचार भी लंदन के हैं, सोच भी लंदन की है। इसलिए मैंने तो उन्हें कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पहले भी जम्मू की धरती से कहा था, उस कंफ्यूज लीडर से मेरा निवेदन है उमर अब्दुल्ला साहब से कि आइए आतंकवाद पर बहस कर लें,
सात दशकों से, तीन पीढ़ियों से आप जम्मू कश्मीर के नेता हैं। सिविलियन किलिंग पर बहस कर ले, किसके राज में ज्यादा हुई, आतंकवाद की घटनाओं पर चर्चा कर ले, उनके द्वारा और उनकी पार्टी द्वारा जिस तरह आतंकवादियों को महामंडित किया गया उस पर चर्चा कर ले। और मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, आप बहुत बड़े बड़े चैनल के पत्रकार हैं, लोकतंत्र में प्रेस भी एक बहुत बड़ा साधन होती है, आप में से कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बड़ा, कोई भाई, कोई बंधु इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करें, आमने सामने बैठ के चर्चा करेंगे कि कौन जिम्मेवार है। मैं एक बार फिर दुनिया के सबसे कंफ्यूज्ड नेता उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के ऊपर, जम्मू कश्मीर के विकास के ऊपर ओपन बहस के लिए निमंत्रण दे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, ऐसा है? ये सब कंफ्यूज्ड हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि 370 वापस नहीं आएगी, मैनिफेस्टो कहता 370 आएगी। असल में इनका मैनिफेस्टो ही झूठ का पुलिंदा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे गांव-गांव के अंदर सड़क बनाने की बात हो, विकास की बात हो, शांति की बात हो, विश्वास की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता का दिल जीता है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को। राहुल जी भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जब भी राहुल जी आते हैं तब वो एक पॉलिटिकल टूरिज्म करके जाते हैं, उनकी फोटो छपती है, कभी स्नो बॉल खेलते हुए, कभी स्नो स्कूटर चलाते। अभी पिछली बार आए थे, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी इसका निर्णय तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया, कौन सी सीटों पर लड़ेगी इस पर की ट्वीट नहीं किया, क्या विचारधारा होगी, क्या नरेटिव होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, ये भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया। लाल चौक की कुल्फी खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने फोटो शेयर की। वो आते रहे पॉलिटिकल टूरिज्म के नाते, जम्मू कश्मीर का विकास टूरिज्म देखें। और मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी, जब क्या विचारधारा होगी, क्या नरेटिव होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, ये भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया। लाल चौक की कुल्फी खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने फोटो शेयर की। वो आते रहे पॉलिटिकल टूरिज्म के नाते, जम्मू कश्मीर का विकास टूरिज्म देखें। और मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी, जब 10 साल आपकी सरकार थी या उससे पहले आपकी जब भी सरकार थी, आप छुट्टियां बताने के लिए विदेश जाते थे, अपनी नानी जी के घर इटली जाते थे, कभी भारत में दुनिया का स्वर्ग कश्मीर नहीं आए, कभी गुलमर्ग नहीं गए, कभी लाल चौक नहीं गए। जिंदगी के 50 बसंत बाद आप गुलमर्ग आए हैं, स्नोबॉल खेला है, लाल चौक में कुल्फी खाई है। ये सब आज इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास और विश्वास, ये तीनों स्थापित किए। आज जहां आप कुल्फी खा रहे थे वहां ISIS का झंडा चढ़ता था, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वहां पत्थरबाज होते थे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वहां का नेता, JKLF का नेता जो कहता था कि मैंने भारत के सेनाओं के जवानों का कत्ल किया है, उसके साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का फोटो शूट होता था। आज वहां तिरंगा है, जहां ISIS का झंडा चढ़ता था वहां आज 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है, वहां तिरंगा लेकर लोग घूमते हैं। और आप भी कुल्फी खाने आते हो,
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने शांति, विकास और विश्वास किया है। निश्चित रूप से कुछ महीने बाद मैं उनको कहूंगा आइएगा जरूर, शपथ ग्रहण में भी आइएगा, ट्रेन में बैठकर श्रीनगर जाने का लुत्फ भी उन्हें जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचाने का कार्य जो शुरू किया है वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। राहुल गांधी की न्याय भारत जोड़ो यात्रा से कुछ वोटिंग में फर्क पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में? सर, ऐसा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, आप उसको सीरियस मानते? उनकी भारत जोड़ो यात्रा एक ट्रेडमिल वॉक है, ट्रेडमिल वॉक। जो ट्रेडमिल वॉकर होता है वो ट्रेडमिल पर लगातार घंटों भी दौड़े, एक कदम भी नहीं आगे बढ़ता। ट्रेडमिल पर दौड़ने वाला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। उसी तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिशाहीन, एजेंडाहीन एक कैसी यात्रा थी जो ट्रेडमिल वॉक से ज्यादा कुछ नहीं। तो सब एक सवाल रखते हैं।